We are going to a countryside of UK. It's called Musbury Tor. So it's basically a small town. It's basically a small village. Okay. Countryside, a hilly side. Okay. आज हम जिस एरिया में रहते हैं बोल्टन इस टाउन का नाम है, काफ़ी बड़ा टाउन है। इस टाउन के साथ ही छोटे छोटे गांव हैं, तो आज हम एक छोटे से गांव को पिक किया, उधर हम जा रहे हैं। मसबरी टोर उसका नाम है। तो बहुत खूबसूरत ये गांव है। जैसे पाकिस्तान में, इंडिया में बड़े शहरों के गिरदोनवा में छोटे छोटे गाँव होते हैं, ऐसे इधर भी है। इधर नेचुरल सीनरीज बहुत खूबसूरत हैं, और ये फ़र्क होता है कि वो नेचुरल सीनरी को डिस्टर्ब नहीं करते, अपना गलियां और जो सड़कें होती हैं उनकी प्रॉपर सफाई का ख्याल रखते हैं। तो आज हम वहां पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, आप देखेंगे कि यूके के जो गांव हैं वो किस तरह के होते हैं। ये हमने गाड़ी साइड पे लगाई है, खूबसूरत सा एक मंज़र था। ये नीचे सारा सिटी नज़र आ रहा है, काफ़ी हाइट पे पहुंच गए हम। इससे मज़ीद हाइट पे हमने जाना है, तो ये देखें काफ़ी खूबसूरत मंज़र है। हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं इधर, तो अब हम यहाँ सबसे पहले पार्किंग जो है वो ढूंढेंगे, गाड़ी पार्क करेंगे। तो इस वीडियो को बेसिकली बनाने का मकसद ये है कि हमारे दोस्तों को पता चले कि हम यहाँ कैसे रहते हैं, यहाँ के गांव कैसे होते हैं, घर कैसे होते हैं। तो ये हम अब आपको दिखाएंगे। ये छोटा सा गांव है, यहाँ के घर, यहाँ की गलियाँ और छोटे छोटे बागीचे बने हुए, ये सारा कुछ आपको दिखाएँगे। फिर टॉप पे, हिल पर जाएँगे, तो वहाँ से इंशाल्लाह आपको दिखाएँगे। तो नेविगेशन के मुताबिक तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन नेविगेशन पे इत्माद करें तो फिर तो यहाँ कोई बंदा बशरी नज़र नहीं आ रहा। तो एनीवेज नेविगेशन को छोड़ते हैं, तो गाड़ी पार्क करके तो अब हमें पैदल ऊपर जाना पड़ेगा, तो पैदल मार्च करेंगे इंशाल्लाह। ऊपर देखने में लग रहा है कि बड़ा खूबसूरत है। हमने गाड़ी खड़ी की है वो नीचे, उसके बाद हम पैदल ऊपर आए हैं। अभी ये सीधा रोड पैदल ऊपर जाएंगे, ठंड भी काफ़ी है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड है आज इधर। यहाँ ऊपर हम आए हैं, आपको यहाँ का थोड़ा सा नज़ारा करवाते हैं। ये वीडियो स्पेशली अपने दोस्तों के लिए है कि उनको पता चले यूके में हम किस एरिया में रहते हैं, वीकेंड पे, संडे से चढ़े हो जैसे घूमता फिरते हैं। ये एरिया, ये सारा चेक करें, ज़बरदस्त एरिया, बहुत मज़ेदार नेचुरल सीनरी है। यहाँ पे आगे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज याद आ जाते हैं, बिल्कुल उनसे मिलता जुलता सारा यहाँ का सिचुएशन है। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बड़ी मज़ेदार प्लेस है। हाँ, अब यहाँ ऊपर चढ़ना है, फिटनेस की बहुत असल ज़रूरत है, आज पता चला अपनी फिटनेस का यहाँ आके लगता है। हाँ जी, बहुत गुस्से से देख रही है, ज़रा ध्यान से। यूके में ऐसी जगह आपको बहुत मिलेंगी, लेकिन ऐसे लोग कम ही मिलेंगे जो इन जगहों पे जाते होंगे। लाइफ बड़ी बिजी होती है, टाइम नहीं मिलता लोगों को ऐसी जगह एक्सप्लोर करने की। आप देख सकते हैं ये इधर शीप्स वगैरह, ये वो फार्मिंग की हुई है, तो इधर इन्होंने इसको थोड़ा सा इक्वल किया हुआ है, इस वजह से जब बारिश पड़ती है तो यहाँ घास वगैरह जो है ना वो उगाती है। ये सब्ज़ा आपको इसलिए नज़र आ रहा है, ये देखें क्या खूबसूरत नज़ारा है। वो दूर आपको कुछ लोग वॉक करते हुए नज़र आ रहे होंगे,
उनको भी हम ऐसे ही शायद नज़र आ रहे होंगे। तो ये बहुत खूबसूरत और बहुत मज़ेदार जगह है। यहाँ यूके के रहने वाले जो लोग हैं उनको हम ये जगह मस्ट रिकमेंड करेंगे, वो यहाँ पे आए, इंजॉय करें, इस जगह को एक्सप्लोर करें। ये है वो पॉइंट जहाँ हम पहुँचना चाह रहे थे। 15-20 मिनट की वॉक के बाद हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो यहाँ से ये सारी नेचुरल ब्यूटी नज़र आ रही है, छोटे छोटे गांव भी नज़र आ रहे हैं, तो बहुत खूबसूरत ये सीनरी है।